ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे, बात हापुड़ की कर लेते हैं। हापुड़ में जगह जगह कुछ घंटे की बरसात की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश की फुहारों से गर्मी से राहत तो जरूर मिली है। झमाझम बारिश से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है, तो वहीं बरसात के बाद नगर पालिका की पोल भी खुलते दिख रही है। नगर के अंदर नालों और नालियों का पानी जो है उफान कर सड़क पर आ चुका है, जिसके चलते नगर की सड़कें जो है ताल तले यानी कि स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई है। इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। नालियों के पानी से गलियां कहीं ना कहीं लबालब हो चुकी है। तो वहीं अभी बारिश का दौर शुरू होने के बाद यह हाल है, तो आने वाले दिनों में स्थिति कैसी होगी इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लगा सकते हैं। तो शहर के नाले जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं, कचरा सड़कों पर आ चुका है, लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। यह हाल तब है जब बारिश अभी शुरू हुई है। आज चंद मिनटों की बारिश में पूरा हापुड़ जलमग्न हो गया। किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? अभी हम घर से निकले थे, बच्चों का टाइम देखे थे, स्कूल का हो रहा था, पर पता पड़ी कह रहे हैं गली में जो पानी भर रहा है उन्हें छोड़ नहीं पाए। बच्चों को छुट्टी हो गई, अब दुकान पर आए तो दुकान पर जो है दुकान के ऊपर पानी भर रहा, तो 10-10 बजे करीब पानी उतरा है, झाड़ू मारे चला तो अभी तक लगे पड़े हैं, साफ सफाई करते हैं, पानी गिरते करते हैं। अब जाए क्या ना, दुकान खोलेंगे। नगर पालिका से क्या उम्मीदें थी तुम्हें आपको? ये थी कि नगर पालिका में कुछ सुविधा मिलेगी, क्या नाम है, नाली वगैरह साफ होएंगी, कूड़ा नहीं होने का, कचरा नहीं होने का, पानी नहीं भरने का, और यही ज़्यादा दिखाई दे रहा। क्या नाम है आपको? मेरा नाम विकास कुमार कंसल। बारिश पड़ी है शहर में, क्या स्थिति है बाजार की? सर स्थिति बहुत खराब है बाजार की, दुकान के अंदर पानी आ गया जी। हम सुबह दुकान खोली थी तो पूरा अंदर पानी आया हुआ था जी, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सुबह से अब ये सुबह ही सुबह बहुत सी स्कूटी खराब हो गई हैं, बहुत सी स्कूटी में पानी भर गया, वो खींच के ले जा रहे हैं, न्यूली खींच के ले जा रहे हैं, और जो गाड़ी प्रेशर से आ रही है वो दुकान के अंदर पानी ला रही है जी, और लगभग 90% बाजार में पानी भरा हुआ है। किस किस स्थानों पर कहाँ कहाँ पानी है, क्या स्थिति है सर? आप देख सकते हैं गोल मगनपुरी में पानी है जी, और इधर चंडी रोड में पानी है जी, और सरदार बाजार में भी जी अभी घुटने घुटने तक पानी था जी, आगे सर जाना नहीं हुआ। क्या कहेंगे, क्या कारण है पानी? सर निकासी के कारण है, निकासी ही मेन समस्या है, बाजार की समस्या बारिश में हमेशा ही रही है सर। आज सही से 20 साल तक बाजार की समस्या हम देखते आ रहे हैं, 20 साल हो गए बाजार में, हम तो ये समस्या देखते आ रहे हैं, बारिश में जो पानी जो भर जाता है जी। नगर पालिका ने कोई समाधान नहीं किया। लगातार बरसात के बाद रफ्तार मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है जल भराव की स्थिति की और नगर पालिका के दावों की सच्चाई की। इस समय मौजूद हैं गढ़मुक्तेश्वर में, और मैं इस समय मौजूद हूं गढ़मुक्तेश्वर के तीर्थ नगरी ब्रजघाट यानी कि उत्तर प्रदेश के वैदिक सिटी और मिनी हरिद्वार में। हालात मेरे पीछे आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। ये तीर्थ नगरी ब्रजघाट का मुख्य मार्ग है, और यहाँ से कितने वाहन होकर गुजरते हैं, कितने लोग यहाँ से होकर गुजरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जल निकासी है उसके सुचारू रूप से ना होने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज चंद घंटे की ही बारिश हुई है और स्थिति आप साफ देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तीर्थ नगरी ब्रजघाट में अनेकों राज्य और जनपदों से लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं तीर्थ नगरी ब्रजघाट की शान में बट्टा लगाने का काम जो है वो नगर पालिका के संबंधित अधिकारी, नगर पालिका के जो नाले हैं उनकी सफाई ना होने की वजह से करते दिखाई दे रहे हैं। अब आज जिस तरीके से कुछ घंटों की बारिश हुई है, मानसून आने वाला है, और जहां तक मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो 10 जुलाई से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब जिस तरीके से अगर बरसात आने वाले दिनों में होती है तो स्थिति क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। रफ्तार मीडिया के लिए हापुड़ से सोनू उपाध्याय। भीषण गर्मी से लोगों को बरसात के बाद राहत मिली है, तो वहीं कहीं ना कहीं नगर पालिका के दावों की पोल भी खुलती नजर आ रही है। अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो यहां पर दिखाएं किस तरह की यहां पर तस्वीर है। नाले ओवरफ्लो हो गए हैं और कचरा निकल के सीधा सड़क पर आ गया है। अब जिस तरीके से नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल उठता नजर आ रहा है, तो आने वाले दिनों में बढ़ती बारिश के साथ ही हालात और भी ख़राब होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर पानी और जल भराव की स्थिति हो गई है और कचरा निकल कर सड़कों पर आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो
ऊपर बैठे अधिकारी हैं उन पर सवाल तो बनता है। अब जिस तरीके से बरसात हो रही है और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने जलभराव जैसी स्थिति से निपटने के लिए भी कई बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। रफ्तार मीडिया के लिए हापुड़ से सोनू उपाध्याय की रिपोर्ट।